बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल हुसैन कोटेका स्कूल एसएमटी श्रीनगर यूट्यूब चैनल। आई एम मंजूर सर। टुडे माय टॉपिक इज द टेंस फॉर क्लास सेकंड। डियर स्टूडेंट्स, वर्ब को उर्दू में फेल कहते हैं। वर्ब इज अ वर्ड व्हिच शोज एक्शन, पोजीशन, स्टेट and what a noun is. Dear students, actually जो verb जो है वो हमें subject के बारे में तीन चीजें बताती है। number one ये बताती कि what is person doing, यानी कि subject क्या करता है, subject क्या करता है। simple example, he is writing a letter, वो क्या कर रहा है, वो एक खत लिख रहा है। she is eating food, she is dancing, she is singing, she is walking, she is playing, यानी यहाँ पे वो हरकत सकनात नाउन के बताते कि ये वो क्या करता है, that means action। number two, it shows position, यानी कि subject के पास क्या है, subject के पास क्या है। say for example, she has blue eyes, she has long hair, she has two sisters, she has a blue pen, it shows position। third चीज जो वो हमें बताती है about the subject ये है कि what a noun is, noun या subject क्या है। so for example, he is a teacher, वो एक उस्ताद है। she is a girl, वो एक लड़की है। She is an honest woman, वो एक ईमानदार औरत है। तो अगर हम इस वर्ब को आप गौर से देखते हैं, वर्ब हमें तीन चीजें बताती है, एक्शन, पोजीशन एंड व्हाट ए नाउन इज, इसको हम स्टेट भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वर्ब अच्छी तरह समझ में आया होगा। नाउ लेट्स यूज ऑफ is, am, are देखते हैं। क्योंकि ये जो is, am, are ये तीनों verb है, ये किस में आते हैं, ये स्टेट में आते हैं, यानी ये दिखाते कि वो noun जो है ये क्या है। अब dear students, हमें देखना है कि अब is कहां पे, am और are का यूज ये कहां पे इस्तेमाल होता है। am जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम I के साथ इस्तेमाल करते हैं। say for example, I am thirsty, I am a teacher, I am a boy, I am going to school। और जो दूसरा है, is इस्तेमाल होता है इनके साथ, he के साथ, she के साथ, it के साथ, या किसी noun के साथ। say for example, ताहा के साथ, अवरार के साथ, सादिया के साथ, सलीमा के साथ, इस इनके साथ आता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आता है। से फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, इट इज अ पेन, इट इज अ कैट, या कोई हम नाम याद लेंगे। अब्रार इज प्लेइंग, सादिया इज राइटिंग अ लेटर, सो ऑन। अब आप देखेंगे आर हम किसके साथ इस्तेमाल करते हैं, आर हम वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ, या किसी भी प्लूरल के साथ इस्तेमाल करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू स्कूल, दे आर प्लेइंग चेस, यू आर राइटिंग ए लेटर, काउस आर काउस, क्यों जो काउस है ये एक से ज्यादा है, इसलिए इनके साथ भी आ रहेगा, काउस आर ईटिंग ग्रास, सो ऑन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पेज नंबर 28 पे जो एक्सरसाइज है वो आप अगर आपको इस समझ में अच्छी तरह आया होगा तो आप वो खुद कर सकते हैं। सिंपल एग्जांपल, आपको वहां पे अगर इस तरह की एग्जांपल आएगी, शी डे ब्यूटीफुल, तो आपको चूज करना है इन तीन में से एक, इज एम आर। जैसे कि अभी आपने पढ़ा है कि जो इस किसके के साथ आता है, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, तमाम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम इस इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए यहां पे आएगा शी इज ब्यूटीफुल। यहां पर एक और एग्जांपल आपको वहां पे है,
ही इज हंगरी, तो क्या आएगा ही इज हंगरी। या एक और एग्जांपल है वहां पर दे देश डट्टी, तो दे के साथ क्या आएगा, दे के साथ आता है आर, तो दे आर डट्टी। इस तरह जो एग्जाम पेज नंबर 28 पे जो आपको एक्सरसाइज है वो आप इजीली कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू दिस, अब आप देखेंगे हम वाज और वेयर कहां इस्तेमाल होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वाज और वेयर ये दोनों हम पास्ट में इस्तेमाल करते हैं। यहां पे मैं आपको बताता चलूं, जो ये आई एम और ये प्रेजेंट में हम इस्तेमाल करते हैं, पास्ट में इनका इस्तेमाल नहीं होता है। पास्ट में इस्तेमाल होता है वाज और वेयर। ये जो वाज है ये हम आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या कोई भी नाउन जो हो, सिंगुलर नाउन है, हम इसके साथ इस्तेमाल करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज गोइंग टू जम्मू, ही वॉज प्लेइंग चेस, शी वॉज ईटिंग फूड, इट वॉज रेनिंग। सिंगुलर कोई भी हम नाउन ले लेंगे, काउ वॉज ईटिंग ग्रास, या द बॉय वॉज वॉकिंग, या एक और कोई हम नाम ले लेंगे, शाहिद वॉज एब्सेंट। अब जो ये वायर का जो इस्तेमाल है, वायर हम वी के साथ इस्तेमाल करते हैं, दे के साथ इस्तेमाल करते हैं, यू के साथ, या कोई भी प्लूरल नाउन होगा। से फॉर एग्जाम्पल, वी वी आर इन द पार्क, या वी वेर गोइंग टू स्कूल, दे वेर प्लेइंग चेस, दे वेर सिंगिंग, दे वेर राइटिंग, यू वेर प्लेइंग, यू वेर एब्सेंट, सो ऑन। कोई भी प्लूरल नाउन ले लेंगे, काउस, जैसे हमने यहां पे देखा, काउ वाज ईटिंग ग्रास, यहां पे हम बोलेंगे काउस वेयर ईटिंग ग्रास। तो डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 29 पे जो आपको एक्सरसाइज है वहां पे आप कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल वहां पे फर्स्ट एग्जांपल, इट डेज कोल्ड इन द मॉर्निंग, तो जैसे आपने यहां देखा इट के साथ वाज आएगा, तो इट वाज कोल्ड इन द मॉर्निंग। अनदर एग्जांपल, द सन वाज हॉट यस्टरडे, वी के साथ वेयर, वी वर नॉट हंग्री इन द मॉर्निंग, द ग्रास वॉज ग्रीन, सो ऑन। तो डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 28, 29 एंड पेज नंबर 30 पे भी आपको वहां पे आपको टिक करना है करेक्ट जो है। से फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है वहां इस तरह, आई डेज इन द स्कूल, आपको दिया हुआ है वाज और वेयर, तो आपको दो में से एक को टिक करना है, तो सिंपली आएगा आई वॉज इन द स्कूल। सेकेंड एग्जाम्पल, My shirt dish not clean, दो एग्जाम्पल दो दिए हैं वॉज और वियर, तो my shirt के साथ वॉज आएगा। मौसम हो सकते हो शरीर से बेमार हो सकते हैं, करो दिल का निकल रही थी। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आप पेज नंबर 28, 29 एंड 30 पे जो भी एक्सरसाइज है इनकी आप प्रैक्टिस घर में कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, स्टे होम, बी सेफ, कीप वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।